एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फर्नीचर हाउस में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दीवान बेड दिखाऊंगा और कंप्लीट आपको दीवान बेड की डिटेल बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा अगर आप आउट ऑफ स्टेट रहते हैं तो आपके पास ये बेड कैसे पहुँचेगा, तो मतलब डिलीवरी की भी आपको पूरी डिटेल बताऊँगा अगर आप आउट ऑफ स्टेट रहते हैं तो कैसे आपके पास ये बेड पहुँचेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताऊँगा अगर आप मेरे दुकान से मतलब कहीं से भी आप दीवान बेड लेते हैं तो किन किन चीज़ का आप ध्यान रखें ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का दीवान बेड मिल सके। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है फर्नीचर रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको दीवान बेड दिखाता हूँ जिसकी मैं आपको अभी डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक 6x4 का दीवान बेड है, 6x4 मतलब दोस्तों 6 फुट लंबा और 4 फिट चौड़ा। इसके अंदर दोस्तों स्टोरेज मिलेगा आपको और हेड साइड देख सकते हैं दोस्तों, हेड साइड का डिज़ाइन किस तरीके से इसका हेड साइड का डिज़ाइन है, ये दोस्तों इसका हेड साइड का डिज़ाइन है। उसके साथ साथ दोस्तों साइड से अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं दोस्तों साइड से इस तरह का डिज़ाइन है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर सामने से दिखाऊं तो दोस्तों ये देख सकते हैं सामने से कुछ इस तरीके से है दोस्तों, जो वुडन हैंडल है यही दोस्तों ये देख रहे हैं, तो ये वुडन हैंडल है, यही सेम डिज़ाइन आपको हेड साइड में भी वुडन हैंडल मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं इस साइड से दिखाऊं आपको दीवान बेड तो आप देख सकते हैं दोस्तों दीवान बेड कुछ इस तरह साइड से कुछ इस तरीके से है और ज़मीन से आपको हमेशा उठाव मिलेगा, ज़मीन से आपको पावे मिलेंगे, ज़मीन से आपको ये दीवान बेड उठाव मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं हेड साइड की बात करूं दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं ये सब वुडन पार्ट है, ये सब दोस्तों वुडन लगाया है हमने, ये सब सागवान की लकड़ी है और जो ये आप देख रहे हैं ये मोटे मोटे ये दोस्तों ये सब सागवान की लकड़ी का है, ये सब मशीन से बनता है, ये सब मशीन से बनता है उसके बाद उस पर लगाया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये डिज़ाइन देख सकते हैं दोस्तों, ये बीडिंग आती है डिज़ाइन में और दोस्तों ये मार्बल है, ये दोस्तों दोनों साइड देखेंगे तो मार्बल है और नॉर्मल बीडिंग है और ये लकड़ी का दोस्तों फट्टा है और आपका जो मैट्रेस है वो यहाँ तक आएगा, यहाँ से अगर आप 5 इंची मैट्रेस डालेंगे तो आपका यहाँ से मैट्रेस आएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सोने में। उसके साथ साथ दोस्तों आपको इसके अंदर भी स्टोरेज मिल जाएगा, सामान रख सकते हैं इसके अंदर भी। और दोस्तों पॉलिश की बात करूँ तो दोस्तों इसमें वॉलनट कलर का पॉलिश हुआ है, वॉलनट कलर का मतलब दोस्तों डार्क कलर का, इसमें डार्क ब्राउन कलर का पॉलिश हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इसके ऊपर पॉलिश नहीं हुआ है, इसके ऊपर पॉलिश करना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं होता क्योंकि ये मैट्रेस के बाद जाता है, वैसे आप कर भी सकते हैं, वैसे तो हम करके ही देते हैं लेकिन अभी हमने इसके ऊपर पॉलिश नहीं करा। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो दोस्तों अंदर से कुछ इस तरीके का ये दीवान बेड है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये दीवान बेड है, अंदर से स्टोरेज के बाद इसके अंदर से कुछ इस तरीके से स्टोरेज आपको मिलेगी। उसके और दूसरी साइड से अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं अंदर से तो दोस्तों दूसरी साइड भी आपको सेम स्टोरेज मिलेगी, सिर्फ उस साइड में स्टोरेज मिलती थी, सेम तरीके से आपको दूसरी तरह में स्टोरेज मिलेगा। और दोस्तों ये हमने इस तरह कर दिया। उसके साथ साथ दोस्तों आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसके सारे पार्ट खुल जाएंगे दोस्तों, आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा, अगर आपको कहीं पर भी शिफ्ट करना है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि इसके सारे पार्ट बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाएंगे। इसका ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, वो वाला पार्ट अलग हो जाएगा, हेड साइड हो जाएगा और नीचे की प्लाई अलग हो जाएगी, ये भी अलग हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई भी पार्ट फिक्स नहीं होता, सब फोल्डेबल होता है, इसलिए दो तरीके से बनते हैं, एक फिक्स से बनता है और एक फोल्डेबल बनता है। और दोस्तों जो ये है ये फोल्डेबल है, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर भेजना है तो आप फोल्डेबल ही आ पाएगा, फिक्स नहीं आ पाएगा क्योंकि फिक्स बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। और दोस्तों जो भी इसमें लकड़ी लगी है सब सागवान की लकड़ी लगी है, जो भी इस दीवान बेड में आप देख रहे हैं सब सागवान की लकड़ियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग से पॉलिश भी करा सकते हैं, आप चाहे तो पॉलिश चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और अगर आप चाहेंगे हेड साइड में स्टोरेज के लिए बन जाए तो वो भी आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होकर बन जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ऐसे चाहेंगे साइड से ड्रॉर खुलने वाला रहे तो वो भी आपके लिए बन जाएगा। दोस्तों अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ इसमें कौन सी क्वालिटी का बोर्ड लगा हुआ है, तो अगर दोस्तों मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ इसमें कौन सी क्वालिटी की प्लाई लगी हुई है, अगर आप देख सकते हैं दोस्तों तो इसके ऊपर दोस्तों आपको हमेशा 12 mm की प्लाई मिलेगी, ये देख सकते हैं दोस्तों ये 12 mm की प्लाई है। और दोस्तों जो इसके नीचे है, जो आप इसके नीचे और जो देख रहे हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों 12 mm की प्लाई है, आप हमेशा 6 mm की प्लाई ना डलवाएं, हमेशा 12 mm की प्लाई डलवाएं। और अगर साइड से मैं बात करूं दोस्तों, साइड से दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा जो है ये सब दोस्तों 19 mm का बोर्ड है, इसमें बोर्ड रहे प्लाई रहे आप वो जो भी डलवाएं सब बढ़िया क्वालिटी का ही डलवाएं, जैसे इसमें देख सकते हैं 19 mm का बोर्ड है, ऊपर 12 mm की प्लाई है और दोस्तों जो इसके नीचे है वो भी 12 mm की प्लाई है।
दोस्तों कहीं से भी आप दीवान बेड लें, हमेशा क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें। क्वालिटी आप ऐसे चेक करें, उसकी सबसे पहले आप उसकी पॉलिश की क्वालिटी चेक कर लीजिए। अगर वो दीवान बेड पॉलिश पे है तो आप सबसे पहले उसकी पॉलिश की क्वालिटी चेक कर लीजिए, कहीं से उखड़ा या टूटा फूटा तो नहीं है। आप उसकी सबसे पहले क्वालिटी चेक कर लीजिए कि अच्छी तरीके से पॉलिश है, पॉलिश में शाइनिंग आ रही है। उसके बाद आप हमेशा चेक कर लीजिए जो उसके ऊपर टॉप के ऊपर जो प्लाई डाली जाती है, जिसके ऊपर हम ले जिसके ऊपर मैट्रेस रखा जाता है, उसकी थिकनेस 12 mm से ऊपर ही होनी चाहिए, 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जहाँ पर हम स्टोरेज रखते हैं, जहाँ नीचे वाली जो प्लाई होती है उसकी थिकनेस ज़रूर नाप लें, हमेशा 12 या 6 mm ही लें, 6 mm से ऊपर ही लें। 6 mm से ऊपर जितना जाएगा, 6, 12, 6, 12, 18 जितना ऊपर जाएगा उतना बेस्ट रहेगा। तो लेकिन कम से कम 6 लें और ऊपर वाला कम से कम 12 mm लें। तो दोस्तों ये सारी क्वालिटी हमेशा ज़रूर चेक करें कहीं से भी दीवान बेड लेने से पहले। और जो जो चीज़ की गारंटी या वारंटी आपको देंगे वो सारी चीज़ आप बिल पर ज़रूर मैंशन करवा लीजिए कि किन किन चीज़ की आपको दुकानदार गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं। वैसे तो गारंटी कोई देता नहीं है, सब वारंटी ही देते हैं। तो वारंटी वो दे रहे हैं तो कितने साल की दे रहे हैं, कितने महीने की दे रहे हैं, ये सारी चीज़ आप बिल पे ज़रूर मेंशन करवा लीजिए। और उनसे बोलिए कि हमारे घर पे जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो सेफली करिए, ताकि कोई कटे पिटे टूटे उटे ना। उसके साथ साथ दोस्तों जो मैंने अभी आपको दीवान बेड दिखाया, अगर आपको वो लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, वैसे तो हमारी जो लोकेशन है वो लखनऊ में है, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हैं और दीवान बेड लेना चाहते हैं, अपने घर पर डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो आपको डिलीवरी चार्जेस पे करनी पड़ेंगी। आप अगर आप डिलीवरी चार्जेस पे करेंगे तो आपके घर पे ये ट्रांसपोर्ट से आपके घर पे आ जाएगा। और कोई क्वेरी है फर्नीचर रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी कोई भी फर्नीचर रिलेटेड क्वेरी है वो भी सॉल्व कर देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर टॉपिक बताएं, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में ज़रूर बनाऊँगा।